दोस्तों यह पोटली और यह घड़ा 101% आपके कूलर का एसी बना देगा। दूसरा हम आपको बताना चाहेंगे, नहीं कोई बैक्टीरिया हानिकारक जो होंगे वह आपके रूम में उत्पन्न होंगे। इसके अलावा डेंगू और मच्छरों के अंडे भी आपके कूलर में नहीं पनपेंगे और पूरा रूम आपका खुशबू से भरा रहेगा और एसी की तरह बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। हम सबसे पहले दोस्तों जो आपने अन्य वीडियो भी देखी होगी उनमें शायद ही आपने ऐसा देखा हो, इस कमरे का जो टेम्परेचर है वह आपको दिखा रहे हैं, यह 34.1 डिग्री सेल्सियस है, जो हम आपको बाद में भी दिखाएंगे कि इसका तापमान कितना है, आपको किस प्रकार से इस पोटली को रखना है और इस घड़े का किस प्रकार से उपयोग करना है हम आपको अभी बता रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हम एक छोटा घड़ा ले रहे हैं और घड़े का साइज इतना होना चाहिए ताकि वह आपके कूलर में आसानी से आ सके। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे, आपको ड्रिल करते समय बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होगी और एक सबसे पहले हम जो छेद करेंगे वह बीच करेंगे, यानी इसके सेंटर में एक होल कर देंगे। घड़ा आपको बिल्कुल नया ही लेना है, यदि आप पुराना घड़े का उपयोग करोगे तो पुराने घड़े के जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिनसे पानी इधर उधर जाता है और ठंडा होता रहता है वह रुके हुए होते हैं और वह ज़्यादा काम नहीं करता है, इसलिए घड़ा हमेशा नया ही लेना चाहिए। घड़े में जो छेद करने हैं उनकी संख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और न ही उनकी संख्या कम होनी चाहिए, ज़्यादा संख्या होने से पानी पंप को ज़्यादा मिलेगा और कम ठंडा होगा। दोस्तों यकीनन यह जुगाड़ बहुत ही सस्ता जुगाड़ है और बहुत ही आसान तरीके से इसको लगाया जा सकता है। इसके बाद हम दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, हम कूलर के जो है एक पार्ट्स को खोल लेंगे और खोलने के बाद इसमें पानी डालेंगे। पानी को डालने से पहले सावधानी पूर्वक हमें घड़े को अंदर की ओर रखना होगा। दोस्तों इस सिस्टम के बाद में न तो आपके कूलर से कोई बदबू वगैरह आएगी न ही कोई मच्छर वगैरह पैदा होंगे। कूलर का जो वाटर पंप है वह घड़े के मुंह में बहुत आसानी के साथ आ जाएगा। यहाँ पर हमें एक बात बहुत ध्यान रखने की होगी कि कूलर में किसी प्रकार का करंट नहीं जाना चाहिए, हमें बिल्कुल सप्लाई को बंद कर देना है तभी हमें घड़े को अंदर की ओर रखना है। इसके अलावा पानी को भी तभी डालना होगा। दोस्तों जैसे ही हम पंप को इसके अंदर रख देंगे, जब इसमें पानी डाल दिया जाएगा तो पानी डालने के बाद में जो पंप होगा वह घड़े से पानी को ऊपर की ओर लेकर जाएगा और ऊपर से फिर जाली से होता हुआ पानी नीचे की ओर आएगा। जैसे ही कूलर के टैंक में पानी आएगा फिर यह घड़े के अंदर फिर जाएगा और फिर पानी ऊपर की ओर जाएगा, ऐसे एक सर्किल चलता रहेगा और बार बार ऐसा जाने पर पानी बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। इसमें दोस्तों हम पानी को डाल रहे हैं और पानी की मात्रा इतनी होनी चाहिए ताकि वह घड़े के ऊपरी मुँह से बाहर न निकले। कूलर में यह सिस्टम जोड़ देने के बाद आपका जो कूलर होगा वह एसी की तरह काम करेगा और इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट यह होगा कि आपका बिल भी ज़्यादा नहीं आएगा, वह भी कूलर के समान ही आएगा। दोस्तों जो हमारे पास एक पोटली थी हम उसको इसके अंदर रखेंगे, किस प्रकार से आपको उसको रखना है और किस प्रकार से हमने उसको बनाया है और क्या उस पोटली के अंदर है वह भी हम आपको बता रहे हैं। इस सिस्टम को तैयार करते समय आपको किसी इलेक्ट्रिशियन की आवश्यकता नहीं होगी, आप खुद ब खुद ही इसको तैयार कर सकते हैं और घड़े में पानी की मात्रा हमने सीमित कर ली है, यानी कि मुंह से बाहर पानी नहीं आ रहा है। और दोस्तों सबसे मज़ेदार यह पोटली, अब इसको हमें किस प्रकार से रखना होगा, सबसे पहले हमें इसे पानी में भिगो देना है, पानी में भिगो देने के बाद में हमें घड़े के मुँह से इसको घड़े के अंदर डाल देना है। पोटली को आपको सूती कपड़े के द्वारा बनाना है, इसके अलावा इसका साइज इतना होना चाहिए ताकि यह इसके मुंह में आ सके। हम आपको बताते हैं किस प्रकार से हमने पोटली बनाई है। इसके लिए हमने एक कपड़ा लिया, कपड़े के ऊपर हमने नीम की पत्तियां और गुलाब की पंखड़ियों को एक साथ मिलाया। आप गुलाब की पंखड़ियों की संख्या ज़्यादा भी ले सकते हैं और इसके आधे के समान भी ले सकते हैं। नीम की पत्तियां रखने से जो आपके कमरे में मच्छर होते वह बाहर की ओर चले जाएंगे, क्योंकि नीम का जो स्वाद होता है वह कड़वा होता है और उसकी खुशबू भी कड़वाहट भरी होती है। इसके अलावा कूलर में उत्पन्न होने वाले मच्छर का लार्वा और डेंगू वगैरह फैलाने वाले मच्छर भी नहीं उत्पन्न होंगे। हमने सावधानी पूर्वक कूलर को चला दिया है और कूलर का जो वाटर पंप है वह घड़े से पानी को ऊपर उठा रहा है। इसके बाद जैसे ही यह पानी को ऊपर उठाएगा तो यहाँ पर जो जालीनुमा यह खिड़की है इससे पानी नीचे की ओर आता रहेगा और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। कुछ समय बाद पानी भी ठंडा हो जाएगा और पानी में जो नीम और गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं उसका असर भी मिल जाएगा। कुछ देर बाद रखने के जैसे ही हमने कूलर को चलाया दोस्तों इससे नीम और गुलाब की खुशबू आने लगी। इसके अलावा जो टेम्परेचर था वह भी आंकड़े के अनुसार काफ़ी कम हो गया।
दोस्तों यह तकनीक आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक करते और शेयर भी करें ताकि वह लोग इसका फायदा उठा सके जो एसी खरीदने में सक्षम नहीं है।